चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हम एयरफोर्स का एग्जाम दिए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया हमारा। 8 महीने हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। बताइए हम लोग कैसे, मतलब 20 साल हमारा खत्म होने वाला, फ्यूचर बर्बाद कर रही केवल भाजपा। हमको रोजगार, स्थायी रोजगार चाहिए, जिस उससे और हम लोग कमजोर रहे हैं। हमारा तो भविष्य खराब हो गया, बच्चों का भी भविष्य जो है खराब हो जाएगा उसका। हम तो ये चाहते हैं मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री अखिलेश जी को बनाया जाए। है योगी जी, मुख्यमंत्री रहते हुए भी गौ माता की चारा भूसा पानी की व्यवस्था आप नहीं कर पाए, गौशाला की व्यवस्था नहीं कर पाए, छोड़ दिया छोटा जानवर के रूप में किसानों का फसल चरने के लिए। बनते हो किसान हमदर्द, कहते हो हम 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि देते हैं साल में, 6,000 रुपया तुम किसान सम्मान निधि देते हो, लेकिन किसानों की लाखों की फसल चरा लेते हो। चलचित्र अभियान और गोरखपुर न्यूज लाइन की टीम आज गोरखपुर जिले के चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में है, और आज हम लोग आए हैं यहाँ पर एक गांव में, बहुत ही ग्रामीण इलाके में समाजवादी पार्टी की सभा हो रही है। ये गांव का नाम है रामपुर रकबा, और मल की छावनी इसका नाम है, और यहाँ पे पिछड़ी जाति के लोगों की संख्या काफ़ी है। सपा के जितने सहयोगी दल हैं वो सब आज इस सभा में हैं, और अभी कुछ देर बाद सभा होगी, लेकिन तब तक रैली में जो युवा आ रहे हैं हम देख रहे हैं, खासकर ग्रामीण युवा बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो जरा पूछते हैं उनसे कि क्या मुद्दे हैं इस चुनाव, क्या क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? बेरोजगारी है, महंगाई है, और इसके बाद जो है लड़के नौकरी नहीं पा रहे हैं, सबसे बड़ी मुद्दा तो वो है। कितने लड़के रो रहे हैं नौकरी के लिए, आप देख ही रहे हैं, इसमें कहना क्या है। ये सब मुद्दा, बदलाव बहुत जरूरी है, एकदम बदलाव जरूरी है, समझ लीजिए। होगा क्षेत्रीय मुद्दा भी है आप लोग का? कुछ नहीं, कुछ नहीं है, हम लोगों को बदलाव चाहिए, अखिलेश को लाना चाह रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखिए बेरोजगारी पर भी पैसा दिए वो, महंगाई कम था, लड़कों का रोजगार भी मिला था, और पेंशन, ये समझ लीजिए हम लोग बहुत परेशान हैं, समझ लीजिए। इतना बढ़िया काम किए थे तो पिछले चुनाव कहाँ हार? तो भाई हारना तो जीतना है ही है, जो काम करता है वो हार भी जाता है, है ना, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात तो हार गए, हार गए क्या हुआ, हार गए वो तो, पाँच साल देख तो लिए लोग, अब तो पछता रहे हैं सब लोग। क्या कहना है, क्या माहौल है इस क्षेत्र में चुनाव का? क्षेत्र में सपा जीत रही है। सपा जीत रही है? हाँ एकदम 100%। निर्दलीय लड़े हैं वो, उसका कह रहे हैं बहुत जोर है। नहीं नहीं, कोई कुछ कोई नहीं है इसमें। और ये तो भाजपा कह रही है कि हमने बड़ा काम किया। कहाँ काम किए बताइए, बना रहे हैं। अरे कहाँ, मंदिर बनाने से कोई, पूजा करने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? पूजा तो सब लोग करते हैं, बताइए, पूजा तो सब लोग करते हैं ना, मंदिर पर वोट नहीं देगा? नहीं नहीं, मंदिर पर पूजा तो हर भगवान तो सबके दिल में होता है, भगवान सबके दिल में है, भगवान राम भगवान कृष्ण सबको सबके दिल में राज करते हैं, हर एक व्यक्ति के मन में है राम। हम लोगों का यही समर्थन है कि समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। आ दूसरी बात है बेरोजगारी, महंगाई, इतनी ज़्यादा महंगाई, अखिलेश जी, अखिलेश भैया कहे हैं कि 10 लाख युवाओं को पहले कैबिनेट मीटिंग में युवाओं को रोजगार देंगे, और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को हर एक महिला 1500 रुपया पेंशन पाएगी। क्या मुद्दा है चुनाव में आपका? मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा हमारे इस चुनाव में रोजगार है, और बीजेपी सरकार ने बिल्कुल भी रोजगार नहीं दिया गया, और बाकी जो हमारे भाई सब ये हैं सब आर्मी की भर्ती देखते हैं, पुलिस की भर्ती देखते हैं, और सरकार ने रोजगार नहीं दिया? नहीं दिया अभी तक। हम एयरफोर्स का एग्जाम दिए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया हमारा। 8 महीने हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। बताइए हम लोग कैसे, मतलब 20 साल हमारा खत्म होने वाला, फ्यूचर बर्बाद कर रही केवल भाजपा।
आर्मी की भर्ती के लिए हम लोग तैयारी थे, जितने लड़के खड़े आर्मी की तैयारी देखने वाले लड़के हैं। ओवर एज हो गए हैं, जबकि 3 साल हम लोग भर्ती नहीं कराई गई है। बाकी इस चुनाव में सब कुछ काम कराया गया, वो लोग उधर बंगाल में भी चुनाव कराया गया, बिहार में चुनाव कराया गया, और हमारे यूपी में मतलब ये कोरोना का देखे कि यहाँ पे भी भर्ती नहीं हो सकती और भर्ती नहीं करा और सब ओवर हो गए। बाबा जी कह रहे हैं कि 5 लाख लोगों को नौकरी दी है। नहीं कहाँ दिए हैं बताएं, हमें कहाँ दिए रोजगार? 5 लाख छीन लिए हैं, 5 लाख छीन लिए हैं, 5 लाख कहीं नहीं दिए हैं रोजगार। रोजगार कहीं 5 लाख छीन लिए हैं, कहीं दिए हैं तो बताइए आगे हमको दिखाए। झूठ बोल के जीना है, 56 इंच का सीना है, यही कहते हैं मोदी जी, यही है भगवान, यही है भगवान से प्रार्थना है कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने और युवाओं को 10 लाख रोजगार दें। पहले हम लोगों का यही जय समाजवाद। ये बताइए आप उसी यहाँ पर 17 बार पेपर लीक हो गया है, पेपर 17 बार लीक हुआ है, पेपर देने जाते हैं तो देने बैठते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। बताइए बोल रहे हैं कि जो जितने युवा हैं वो बात तो करते हैं बेरोजगारी का, लेकिन जब वोटिंग का समय आता है तो जात बिरादरी में बढ़ जाते हैं और फिर नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार एकदम निष्पक्ष साइकिल पर एकदम वोट गिरने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। जो रोजगार है उसको रोजगार मिलेगा। जाति बिरादरी के बारे में कह रहे हैं और इस सरकार का मतलब ये है कि यहाँ इस सरकार से रोजगार मांगने जाओ, इस सरकार से रोजगार मांगने जाओ तो लाठी डंडा मार खाना पड़ेगा। सब बिरादर आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं, जैसे मैं दलित समाज से आता हूँ, मैं साइकिल वोट करने वाला हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विनय राव नाम है। अच्छा, किस बिरादरी का है? मैं चमार बिरादरी का हूँ, दलित समाज से आता हूँ। अब की बार मैं साइकिल को वोट करूंगा। भाजपा को लोग वोट नहीं करेंगे, हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार अब की बनेगी और सब बिरादरियों का सबको। अब की बार जितने हमारे नौजवान साथी आर्मी तैयार चाहे किसी भर्ती तैयार करें वो नहीं वोट करेंगे भाजपा। लैपटॉप चला नहीं पाते और लैपटॉप बांटने की बात करते हैं। अभी तक लैपटॉप बांट नहीं पाते और लैपटॉप बात करते हैं। ये बात सुनिए हमारी, अमित शाह जी को खुद नहीं मालूम है इंटर मंदिर में चिलम भरा जाएगा। चिलम आज कह रहे हैं कि इंटर 12 पास करके इंटर में एडमिशन ले लीजिए और बाबा हम लोग को टैबलेट देने का बाबा हम लोग को टैबलेट देने के लिए एक ही बार टैबलेट मिला, मोबाइल पे मैसेज आ गया और टैबलेट नहीं मिला। 3 साल से जो है शिक्षा बंद है, बस चुनाव टाइम पे हो रहा है, शिक्षा की कोई बात नहीं। जब हम शिक्षित रहेंगे तो हम उनसे नौकरी सब कुछ छीन लेंगे। हम अपने कमाने भर का पैसा, चाहे अपने कमाने भर का, अपना परिवार चलाने भर का पैसा हम कमा लेंगे, पर ये 3 साल से शिक्षा बंद किए हैं, बच्चे घर पे बैठे हैं, ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे? गुलाम ही ना बनेंगे। ये सरकार इस बार जाएगी और माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री 10 तारीख को शपथ जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और कोई रोक नहीं पाएगा अखिलेश। गजेंद्र है और मैं दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज का छात्र हूँ, बीएड सेकेंड ईयर है, एनसीसी है। पर अगर दौड़ते दौड़ते बच्चे मायधिया रामलीला ग्राउंड के दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए हैं बच्चे, बाबा के ही कॉलेज से पढ़े हैं, बाबा के कॉलेज से पढ़ते हैं, इसीलिए तो विरोध कर रहे हैं उनका। जो ईमानदारी से, सच्चाई से युवाओं के प्रति निष्ठा वो ईमानदारी रखेगा, हम उनको चुनाव देंगे, उनको वोट देंगे, उनको जिताएंगे। और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ 10 तारीख को अखिलेश यादव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और आज मैं गोरखपुर के इस योगी बाबा से पूछना चाहता हूँ कि अपने को तुम बुलडोजर बाबा कह रहे हो, तुम्हारा बुलडोजर किस पर चल रहा है? किन लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है? जो बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, बुलडोजर उनके घर पे चल रहा है। और जो तुम्हारे लोग हैं, जो 25,000 के इनामी हैं, जो गैंगस्टर हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं और जौनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ऊपर तुम्हारा बुलडोजर नहीं चल रहा है। ऐ बाबा, चार चरण का चुनाव हो गया है, तुम उत्तर प्रदेश के नौजवानों की गर्मी शांत करने की बात करते हो, चार चरण के चुनाव में तुम्हारी गर्मी उतर गई है। जी बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम पन्नेलाल राजभाई सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष। आपके इधर कितने गांव होंगे आपके बिरादरी के लोग? लगभग 50 गांव है, जहाँ पर राजभर बाहुल्य इलाका है। बिरादरी के लोग क्या काम करते हैं? बिरादरी के लोग यही भट्ठे पर ईंट का काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, मजदूरी नहीं मिलता है, वापस आते हैं, महंगाई से त्रस्त है। राजभर जी, ओम प्रकाश जी तो पिछले बार भाजपा में चले गए थे। भाजपा में गए, भाजपा वालों ने खरा नहीं उतरा। जो समाज की लड़ाई लड़ता है, अपने अधिकार की बात करता है, तो भाजपा में उन्हें इज्जत नहीं मिली, सम्मान लोगों में नहीं दिए भाजपा वालों ने। इस नाते वो अपने समाज की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़ी अल्पसंख्यक
की लड़ाई लड़ते हैं, दलित की लड़ाई लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ आके अच्छा किया उन्होंने जी, सम्मान वहाँ मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। अखिलेश जी बहुत सम्मान देते हैं, अखिलेश जी ऐसा नेता, हम तो ये चाहते हैं मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री अखिलेश जी को बनाया जाए, क्योंकि पिछड़ी के नेता और दलित अल्पसंख्यक के नेता अखिलेश जी हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा संघर्ष की बात करते हैं, गरीबों की आवाज उठाते हैं सदन से लेकर सड़क तक। ये आप बता रहे थे आप मजदूरी करते हैं आप? हाँ हम मजदूरी करते हैं सर, शहर में जाते हैं, काम नहीं लगता फिर वापस आते हैं। हाँ जी सर, मजदूरी वहाँ सर कभी कभी कोरोना में तो 200 मिल रहा था, अब वही 350-400 यही मिलता है, बराबर नहीं मिलता। भाजपा सरकार कह रही है कि राशन हम लोगों ने दिया है और राशन से सब लोग वोट हमको दे रहा है। ये तो फुसलाने बहलाने का काम किया है, इसके राशन पर लोग नहीं जाएंगे, विकास की ओर जाएंगे। हाँ राशन मिलता है, उसमें 2-3 किलो कम रहता है, और चीनी पहले मिल रहा था, तेल मिल रहा था, ये सब नहीं नहीं मिल रहा है। चुनाव में क्या हालचाल है? सब ठीक है, इन्हीं को अखिलेश को जिताना है। आप लोग दे रहे हैं समाजवादी पार्टी? हाँ। आपके नेताजी पहले भी आए हैं गांव में ओम प्रकाश जी यहाँ पे? हाँ आए थे। आते रहे? हाँ। इस चुनाव में आप लोग और क्या देख रहे हैं, और कौन सा मुद्दा है, मुद्दा कौन कौन सा है? सांड का है। अच्छा, छुट्टा सांड से है, गरीब के पास 2-4 कट्ठा जमीन है, किसी तरीके से फल सब्जी लगाता है, उसमें सांड आकर के उलट पुलट कर देता है। सांड के लिए कोई जोगी जी व्यवस्था नहीं किए हैं। वो नाम के लिए है, पैसा भजाने के लिए है, लोगों ने कोई व्यवस्था नहीं, इस पे कोई अमल नहीं की सरकार। ये बताइए कि पिछले चुनाव में भाजपा के साथ जो पिछड़ी जात के लोग थे, चौहान थे, राजभर थे, इस बार कोई नहीं है, कोई नहीं, निषाद में भी नहीं कोई है। अच्छा, निषाद में इसलिए नहीं है कि माननीय संजय निषाद जी ने वहाँ पर समाज की लड़ाई नहीं लड़ने गए हैं, अपना जेब भरने के लिए गए हैं। अगर समाज की लड़ाई दोनों जगह उनका सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में है, आरक्षण राज नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? इसे केवल आरक्षण का लालच दे करके निषादों को ठगने का काम करते हैं। और बिरादरी के लोग जो पिछले बार बीजेपी में गए, नहीं इस बार सब लोग मूड बना लिए हैं, उधर पश्चिमांचल से हवा बह चुकी है, और इस बार माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विनोद राजभर, ग्राम कुलवा, कुलवा गांव के। जी जी जी। अच्छा, क्या है आपके गांव में हालचाल? हमारे गांव में हालचाल एक तरफा जा रही है, साइकिल जा बिरादरी के कि केवल आपकी बिरादरी का? हर बिरादरी की जा रही है सर, जनाधार बन चुका है, एकदम जनाधार बन चुका है, किसी के कटने से किसी के बहकावे में लोग नहीं आ रहे हैं। ये जो सरकार कर रही है कि 1500 रुपया खाते में भेज दिया है, राशन दे रहे हैं, वो सर केवल एक बैसाखी है, उससे और कमजोर हम लोग हो रहे हैं। हमको रोजगार, स्थायी रोजगार चाहिए, जिस उससे और हम लोग कमजोर रहे हैं। हमारा तो भविष्य खराब हो गया, बच्चों का भी भविष्य जो है खराब हो जाएगा। उस बाढ़ में घर गिर गया, घर गिर गया, रहने को जगह नहीं हमको, बाढ़ में बोले लोग पैसे देंगे, घर गिरा है बनवाएंगे, और कुछ नहीं मिला। इनका साथ दिया था नौजवानों ने, बीजेपी के लोगों ने वादा किया था 75 लाख 5 साल में नौकरी देने का। हमारे नौजवान कह रहा है भक्ति नहीं होने पाई, नौकरी मिलना तो दूर। नौकरी के नाम पर नौजवानों को योगी की पुलिस की लाठियां खानी पड़ी।